हेलो एवरीवन, मायशेल्फ अभिषेक तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस इंडस रिवर सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि यह एक क्रैश कोर्स है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बायलिंगुअल इसकी लैंग्वेज होगी और आज की क्लास आपको एसएससी के साथ साथ रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में, वो आप यहाँ से देख सकते हो। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एग्जाम क्लस्टर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहां पर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको फिल करना है और उसके बाद आपको ये कोर्स परचेस करना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी के साथ साथ आपको इकोनॉमी और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी और लास्ट में आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं और यहाँ से आप कवर कर सकते हो किन किन एग्जामों के लिए यह बेनिफिशियल है। तो आप यहाँ पर एसएससी सीजीएल के साथ साथ आप सीएचएसएल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यह आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो कोर्स है हमारा ये आपको 10 अप्रैल तक ही इसमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 10 अप्रैल के बाद आपको यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा या कह सकते हो इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आपको बहुत ही जल्दी कोर्स को परचेज करना है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए इसमें तो आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड भी यूज करना है, इसका भी यूज कर सकते हो अभी ABHI, ये आपको डालना है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अपवाह तंत्र क्या है, व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, हम अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नदी हो सकती है, नदी के साथ साथ उसकी जो धाराएं हैं एक विशेष व्यवस्था या कह सकते हो एक पैटर्न में जो उसका वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उस व्यवस्था को उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सी नदी का है, कहां पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े नदी निकासी या बेसिन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें अमेजन नदी का देखने को मिलता है। अगर हम इस रिवर के बारे में बात करें तो यह रिवर हमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलती है। अगर यहीं पर हम बात करें कि भारत में कौन सी रिवर का सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर गंगा नदी होनी चाहिए। कौन सी रिवर होनी चाहिए, गंगा नदी होनी चाहिए। आई होप चीजें आपको आसानी से क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे कि भारत की नदियां और जल निकासी प्रणाली के बारे में कि इन नदियों का ओरिजिन कहां कहां से हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहां पर उद्गम के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो यहां पर हमें हिमालय के द्वारा निकलने वाली नदियां देखने को मिलती हैं, उसके साथ साथ प्रायद्वीपी नदियां भी देखने को मिलती हैं। कह सकते हो आप इसको कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो दो भागों में विभाजित किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक आपका हो गया हिमालय से निकलने वाली नदी, आप इसको यहां से देख सकते हो मैप के द्वारा, और दूसरा आपका कौन सा देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हो कि प्रायद्वीपी भारत की नदी, यहां से नदियों का ओरिजिन देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिमालय की नदियां यानी हिमालय से कौन कौन सी नदियों का ओरिजिन देखने को मिलता है। यहां पर अगर हम हिमालय की नदियों के बारे में बात करें तो हमें देखने को मिलता है गंगा नदी, गंगा के साथ साथ सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां, यानी तीन मुख्य नदियां या मेजर जो रिवर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। एक आपकी गंगा हो गई, दूसरे सिंधु और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र।
यहाँ पर अगर हम बात करें इनके फ्यूचर्स के बारे में, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो यहाँ की नदियां बहुत ही लंबी देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। कौन सी नदियां? हिमालय से निकलने वाली नदियों की जो लंबाई है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्हें बारामासी नदी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम पेरिनियल रिवर भी कहते हैं, ठीक है ना। बारामासी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी होती है, वर्षा के साथ साथ बर्फ के पिघलने से इन नदियों में पानी देखने को मिलता है, इस वजह से इन्हें हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं या बारामासी नदियां कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु नदी प्रणाली के बारे में, इसकी लंबाई कितनी है, कहां से इसका ओरिजिन होता है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर देखने को मिलती है, 2880 किलोमीटर देखने को मिलती है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। अगर हम इसके सोर्स के बारे में बात करें, कहां से इसका ओरिजिन होता है, तो इसका ओरिजिन कैलाश रेंज जो तिब्बत या आप कह सकते हो मानसरोवर झील के पास है, वहां से इसका उद्गम देखने को मिलता है। अगर यहां पर हम इसके मुहाने के बारे में बात करें तो इसका मुहाना हमें अरब सागर में देखने को मिलता है। इसको आप मैप पर भी समझ सकते हो, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है, कैलाश मानसरोवर से होते हुए यह नदी कहाँ पर अपना मुहाना बना रही है, तो आप कह सकते हो अरब सागर में यह नदी अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पंचनद के बारे में। पंचनद कहने का मतलब ये है कि सिंधु नदी की पांच सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी नदी देखने को मिल रही, आप कह सकते हो यहाँ पर झेलम नदी देखने को मिलती है। इसके अगर पुराने नाम के बारे में बात करें तो इसका पुराना नाम वितस्ता है। सेकंड जो रिवर है हमारी, सेकंड रिवर है चिनाब नदी, इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका नाम अश्किनी है। वहीं पर थर्ड रिवर जो देखने को हमें मिल रही है वह रावी नदी है और इसका पुराना नाम इरावती है। फोर्थ जो रिवर है, चौथी जो नदी है वो व्यास नदी है, इसका पुराना नाम विपाशा है। और लास्ट में जो नदी है उसका नाम है सतलज नदी और इसका पुराना नाम सतुद्री हमें देखने को मिलता है। और यही पांचों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर देखेंगे सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी, मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो झेलम नदी का उद्गम हमें वेरी नाग झरने के पास से देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है उसका नाम किशन गंगा है, किशन गंगा के साथ साथ तुलबुल परियोजना है और यहीं पर हमें उरी प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। और ये तीनों की तीनों जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा शहर इस नदी के किनारे है, तो आप कह सकते हो श्रीनगर भी देखने को हमें मिलता है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि श्रीनगर डल झील के किनारे भी स्थित है। तो इस तरह ढेरों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। चलिए नेक्स्ट रिवर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है आपकी चिनाब रिवर। चिनाब रिवर, अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसका उद्गम बाड़ा लाचा दर्रा जो है वहां से देखने को मिलता है। यह दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, इसकी लोकेशन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आपका एक सलल परियोजना है, सलल परियोजना के साथ साथ बगलीहार परियोजना भी देखने को मिलती है और साथ में यहाँ पर दुलहस्ती परियोजना भी देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिवर है उसका नाम है रावी नदी या रावी रिवर, ठीक है। इसके उद्गम के बारे में चर्चा करें तो यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक है आपका रंजीत सागर परियोजना, यानी आप कह सकते हो थीन सागर परियोजना हमें देखने को मिलती है और उसके साथ साथ चामीरा परियोजना भी देखने को मिलती है। तो इस वजह से यह रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रिवर आपकी हो जाती है व्यास नदी। व्यास रिवर उद्गम कहाँ है, रोहतांग दर्रा व्यास कुंड नामक एक लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, वहीं से इस रिवर का उद्गम होता है। मुहाने के बारे में अगर हम बात करें
तो यह नदी सतलज नदी में जाकर अपना जो वाटर है उसको डिपॉजिट करती है या कह सकते हो मुहाना बनाती है। और सतलज नदी में जब यह मिलती है तो यहीं पर हरिके बैराज का भी निर्माण करती है। कहां पर कर रही है तो आप क्या बोलोगे, पंजाब में हरिके बैराज का निर्माण करती है, ठीक है। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का भी निर्माण होता है, या कह सकते हो आप इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकलती है, जो राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद। परियोजना कौन सी है तो आप कह सकते हो पोंग परियोजना इसके ऊपर चल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो व्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका संपूर्ण प्रवाह हमें भारत में देखने को मिलता है। और यहां से भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो चुका है, ओके। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर के बारे में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है या यहीं से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट रिवर हमारी हो जाती है सतलज रिवर। सतलज रिवर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस नदी का उद्गम या ओरिजिन हमें कैलाश मानसरोवर के निकट राकस्थल से देखने को मिलता है। कहां से? कैलाश मानसरोवर के निकट राकस्थल से। इसको अगर हम मैप पर देखें तो आप यहां पर देख सकते हो कि यह आपका जो हो गया ये आपका तिब्बत वाली लोकेशन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तिब्बत की लोकेशन है, या आप कह सकते हो कैलाश मानसरोवर का पार्ट है। यहाँ से सतलज नदी निकलती है और उसके बाद यह हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा, वहां से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है इस नदी के ऊपर। तो ये आपकी एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना, उसके साथ साथ नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट भी इस नदी के ऊपर चल रहा है, और उसके साथ साथ एक कोल डैम परियोजना भी इस नदी के ऊपर चल रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं इस नदी के ऊपर हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से शहर हैं इस नदी के किनारे। तो एक तो आपका लुधियाना है, लुधियाना के साथ साथ फिरोजपुर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे ही आपको ऑप्शन भी वहां पर नजर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट इनको करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजन उसका कहाँ से होता है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन हिंदुकुश है, सेकेंड ऑप्शन आपका हिमालयन रेंज है, थर्ड ऑप्शन आपका कराकोरम है, और फोर्थ ऑप्शन आपका कैलाश रेंज है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। अभी हम लोग बात करके आए हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं यमुना नहर, सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाता है इंदिरा नहर, और थर्ड ऑप्शन हो जाता है सरहिंद नहर, और उसके बाद डी ऑप्शन आपका हो जाता है ऊपरी बारी दोआब नहर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात की व्यास नदी और सतलज नदी दोनों मिलती हैं और हरिके बैराज का निर्माण करती हैं पंजाब में ही, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर का ओरिजिन होता है या बनती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बात की है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो पूछ रहा है कि कौन सा बांध, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक में है। तो पहला ऑप्शन आपका है तुंगभद्रा, उसके बाद है गांधी सागर, फिर है आपका श्रीशैलम, फिर है आपका मुल्ला पेरियार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तुंगभद्रा हो जाएगा। अगर यहीं पर गांधी सागर के बारे में बात करें तो ये हमें MP में देखने को मिलता है, श्रीशैलम की बात करें तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और मुल्ला पेरियार के बारे में बात करें तो ये केरल में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत में सबसे ऊंचा है।
तो यहाँ पर भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? माता टीला बांध कहाँ पर है, कौन सी रिवर के ऊपर? पहला ऑप्शन है बेतवा, सेकंड ऑप्शन है केन, थर्ड ऑप्शन है ताप्ती और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा, सेकंड ऑप्शन है पेन्ना रिवर और थर्ड ऑप्शन है कृष्णा नदी और फोर्थ ऑप्शन है आपका गोदावरी। तो श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया। कौन सी रिवर के ऊपर? कृष्णा रिवर। यानी सी जो आंसर है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। एक है आपका कृष्णा, कृष्णा के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद फिर कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पर हम कावेरी रिवर के बारे में बात करें तो इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है हमसे अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है लूनी, लूनी के साथ साथ है गंगा, उसके बाद है तिस्ता, तिस्ता के बाद है व्यास रिवर। ठीक है ना, तो देखते हैं पहले गंगा की अगर बात करें तो गंगा आपका यहाँ पर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन से हट जाएगा। ब्रह्मपुत्र सॉरी तिस्ता के बारे में अगर बात करें तो ये भी आपका नहीं होगा। व्यास के बारे में बात करें तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी को अंतःप्रवाही नदी या इनलैंड रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, जो जिसका ओरिजिन या कह सकते हो अजमेर जो शहर है इसी नदी के किनारे स्थित है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती? कौन सी नदी का ओरिजिन भारत में नहीं होता? तो देखते हैं ऑप्शन। गंगा नदी, इसका ओरिजिन भारत में होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यमुना के बारे में बात करें तो इसका भी उद्गम या ओरिजिन कह सकते हो आप भारत में होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर गोदावरी के बारे में बात करें तो गोदावरी जो नदी है इसका उद्गम भी भारत में ही होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एंड करने से पहले यहाँ पर हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि आपको ये क्लास कब कब मिलेगी। तो आपकी जो ये क्लास होने वाली है ये आपको एवरी सैटरडे संडे देखने को मिलेगी, तो आपको सैटरडे संडे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्लास। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास लेकर हम आएंगे रिवर सिस्टम के ऊपर, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और जहां पर हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट भी देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।